हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल न्यूट एनसीईआरटी बायोलॉजी। आज के इस वीडियो में देखेंगे एनडीए व्यास मॉक टेस्ट नंबर 57 के क्वेश्चंस और उसके आंसर्स। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्विक रिवीजन के लिए है। डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से आप लिंक क्लिक करके डिटेल वीडियो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो देख सकते हैं। एनडीए व्यास मॉक टेस्ट के सारे पीडीएफ अवेलेबल हैं, उसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे बायो से, देन केमिस्ट्री पे आएंगे, उसके बाद आएंगे फिजिक्स पे। ओके, तो इस वीडियो क्वालिटी आपको लो लगे तो आप वीडियो डॉलर एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले क्रोम से, और फिर वीएलसी मीडिया प्लेयर से चलाएंगे तो आपको फुल स्क्रीन में चलेगा पोर्ट्रेट मोड में। ओके, उसका भी जो लिंक है वीडियो डॉलर एप्लीकेशन का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर लें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ बायो का है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेरिडेटरी डिजीज। आंसर विल बी डी, क्रिटिनिजम जो है वो हेरिडेटरी डिजीज नहीं है, बाकी सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलासेमिया और हीमोफीलिया जो है हमारे हेरिडेटरी डिजीज हैं। सिस्टिक फाइब्रोसिस इट इज अ कॉमन डिसऑर्डर ऑफ कॉकेशियन रेस इन विच थिक एंड मोर सॉल्टी म्यूकस ब्लॉक्स द रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट। द होमोजाइगस रिसेसिव कंडीशन प्रोड्यूसेस द डिफेक्टिव प्रोटीन विच रेगुलेट्स क्लोराइड ट्रांसपोर्ट चैनल। क्रेटिनिज्म इन दिस डिसऑर्डर द फिजिकल ग्रोथ, मेंटल ग्रोथ एंड सेक्सुअल ग्रोथ इन चिल्ड्रेन इज रिटार्डेड। सच अ ड्वार्फ एंड स्टराइल चाइल्ड इज कॉल्ड अ क्रेटीन। इट इज ड्यू टू हाइपोसिक्रेशन, ओके, ऑफ थायरॉइड हॉर्मोन। एक बार आप देख लेना बुक्स में, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है। थैलासेमिया ड्यू टू डिफेक्टिव प्रोडक्शन ऑफ अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ हीमोग्लोबिन। ऑटोजोमल रिसेसिव। हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिसऑर्डर ड्यू टू डिफेक्टिव रिसेसिव जीन। इन विच ऑफ द फॉलोइंग द बर्थ रेट इज हाई एंड डेथ रेट इज नॉर्मल। आंसर ए, इंडिया एंड मोरक्को। इंडिया एंड मोरक्को आर द टू कंट्रीज वेयर द बर्थ रेट इज हाई एंड द डेथ रेट इज नॉर्मल। वोलेंट एडेप्टेशन इज फोर। आंसर विल बी ए, फ्लाइंग। वोलेंट एडेप्टेशन आर फ्लाइट एडेप्टेशन लाइक बॉडी कवरिंग विथ फेदर्स, लाइट एंड फ्यूज्ड बोन्स। इन लाइसोजोम्स ए द एसिडिक कंडीशन इज मेंटेन बाई पंपिंग प्रोटोन्स टू द एक्सटीरियर पार्ट। बी इंटरसेलुलर डाइजेशन अकर्स। सी ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोमोलेक्यूल्स आर डाइजेस्टेड। ओके, डी यहाँ पे है द एंजाइम प्रेजेंट इन वेसिकल्स बिलोंग टू एसिड हाइड्रोलाइजेस। सेलेक्ट दोज स्टेटमेंट व्हिच आर करेक्ट। तो यहाँ पे करेक्ट होगा सी और डी, यानी ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोमोलेक्यूल्स आर डाइजेस्टेड और द एंजाइम्स प्रेजेंट इन वेसिकल्स बिलोंग टू एसिड हाइड्रोलाइजेज। लाइसोजोम्स आर फाउंड बाय बडिंग ऑफ वेसिकल्स फ्रॉम द गोल्जी एपरेटस। दे आर बाउंड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन अबाउट 500 नैनोमीटर। दे आर इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर डाइजेशन एंड कंटेन द एंजाइम्स नीडेड टू डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ माइक्रोमोलिक्यूल्स। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन सच वेसिकल्स बिलोंग टू एसिड हाइड्रोलाइजेज। द एसिडिक कंडीशन इज मेंटेन बाई पंपिंग प्रोटोन्स इन टू द इंटीरियर ऑफ लाइसोजोम्स। दीज आर द ऑर्गेनिलीज दैट आर इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फैगोसाइटोसिस। डायटम्स स्टे अफ्लोट ड्यू टू, आंसर विल बी सी, स्टोर्ड लिपिड्स। इन डायटम्स द मेजर कार्बन स्टोरेज इज ट्राइग्लिसराइड्स, टैग्स एंड फैटी एसिड्स विच यूजुअली मेक अप 15-25% ऑफ ड्राई बायोमास। दीज स्टोर्ड लिपिड्स ऑफ डायटम्स हेल्प देम फ्लोट ऑन द वाटर सर्फेस। द लिपिड इंक्रीजेज द बायंसी एंड हेल्प्स अवॉइड सिंकिंग इन वाटर। मोस्ट डायटम्स आर नॉन मोटाइल एंड लैक फ्लैजला और सीडोपोडिया एंड हेंस दे मूव थ्रू द वाटर करेंट्स। क्रॉप प्लांट्स ग्रोन इन मोनोकल्चर आर, आंसर विल बी सी, हाईली प्रोन टू पेस्ट्स। मोनोकल्चर इज द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस ऑफ प्रोड्यूसिंग और ग्रोइंग अ सिंगल क्रॉप और प्लांट स्पीसीज ओवर अ वाइड एरिया एंड फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ कंजिक्यूटिव ईयर्स। मोनोकल्चर कैन लीड टू द क्विकर स्प्रेड ऑफ पेस्ट्स एंड डिजीजेज। वेयर अ यूनिफॉर्म क्रॉप इज ससेप्टिबल टू अ पैथोजेन, क्रॉप मोनोकल्चर इज द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग द सेम क्रॉप ईयर आफ्टर ईयर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रैक्टिस हैज कॉज्ड
मैक्सिमम डैमेज टू द बायोडाइवर्सिटी ऑफ इंडियन फॉरेस्ट? आंसर विल बी डी झूम कल्टीवेशन। टोंगिया सिस्टम इज इन्वॉल्व रोइंग एग्रीकल्चरल क्रॉप्स बिटवीन रोज ऑफ प्लांटेड ट्रीज। इट इज टाइप ऑफ एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम। झूम कल्टीवेशन इन्वॉल्व फेलिंग एंड बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट फॉलोड बाय द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स फॉर अ फ्यू ईयर्स एंड एबेंडनिंग कल्टीवेशन टू ऑलो फॉरेस्ट रीग्रोथ। साइजोसिलोमेट्स एंड इंट्रोसिलोमेट्स आर। आंसर विल बी सी ट्रू सिलोमेट्स। द टाइप ऑफ प्लासेंटेशन इन विच ओवरी इज सीन कार्पस यूनिलोकुलर एंड ओव्यूल्स ऑन सीचर्स इज कॉल्ड। आंसर विल बी बी पेराइटल प्लासेंटेशन। स्क्रू पाइन पेंडेनस बियर स्टिल्ट रूट ट्रापा बियर्स एसिमिलेटरी रूट्स और ऑर्किड बियर क्लैंगिंग रूट्स। सेलेक्ट द ऑप्शन रिगार्डिंग द बीओडी बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड ऑफ सीवेज एस डिस्टिलरी इफ्लुएंट डीई पेपर मिल इफ्लुएंट पीई एंड शुगर मिल इफ्लुएंट दैट हैव बीन अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर। तो आंसर यहाँ पे बी होगा। सबसे ज़्यादा बाय बीओडी होगा यहाँ पे डिस्टिलरी इफ्लुएंट का, देन एसी यानी शुगर मिल इफ्लुएंट, देन पीई यानी पेपर मिल एफ्लुएंट और सबसे कम यहाँ पे होगा सीवेज। ओके, द मोर द वैल्यू ऑफ बीओडी ऑफ वाटर द सैंपल द मोर विल बी द पॉल्यूशन बाई ऑर्गेनिक मैटर। बीओडी ऑफ डिस्टिलरी इफ्लुएंट विल बी अप्रोक्सीमेटली 40,000 मिलीग्राम पर लीटर। शुगर मिल इफ्लुएंट बीओडी विल वैल्यू विल बी अराउंड 3,480 मिलीग्राम पर लीटर एंड दैट ऑफ पेपर मिल इफ्लुएंट एंड सीवेज इज 190 मिलीग्राम पर लीटर एंड 30 मिलीग्राम पर लीटर रिस्पेक्टिवली। फाइटो एलर्जींस आर सिक्रेटेड बाई प्लांट्स इन रिस्पॉन्स टू फंगल रिएक्शन। दीज कंपाउंड्स आर जनरली आंसर विल बी सी फेनोलिक कंपाउंड्स। फाइटोएलर्जेंस आर फेनोलिक कंपाउंड्स प्रोड्यूस्ड इन द होस्ट सेल्स फॉर डिफेंस इन रिस्पॉन्स टू फंगल इन्फेक्शन। दीज केमिकल्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ द पैरासाइट बाय डिस्टर्बिंग द मेटाबोलिज्म ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट ऑफ लार्वा और रिड्यूसिंग द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ प्लांट। द अल्कलॉइड कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम आंसर विल बी सी लीफ। कोकेन इज ऑब्टेन फ्रॉम द लीफ। द लीव्स आर जनरली च्यूड विथ लाइम। कोकेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लीव्स एंड यंग ट्विग्स ऑफ द साउथ अमेरिकन श्रब इरिथ्रोजाइलोन कोका। कोकेन इज यूज्ड एज अ लोकल एनेस्थेटिक एंड स्टिमुलेंट। द बैड इफेक्ट आर लैक ऑफ स्लीप लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हलुसिनेशन विच अल्टीमेटली लीड टू डैमेज्ड मेंटल फंक्शन एंड इनसैनिटी। द मिस यूज मे ऑल्सो प्रोड्यूस सिवियर हेडक कन्वर्जन और डेथ ड्यू टू कार्डियोवैस्कुलर और रिस्पायरेटरी फेलियोर। क्वेश्चन नंबर 13। इन एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स द एयर एट द साइट ऑफ गैस एक्सचेंज इज सेपरेटेड फ्रॉम द ब्लड बाय आंसर विल बी बी एल्वियोलर इपिथिलियम एंड कैपिलरी इंडोथिलियम। एल्वियोली आर द साइट ऑफ द रिस्पायरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेज। ऑक्सीजन फ्रॉम द एल्वियोलर एयर डिफ्यूजेज थ्रू द एल्वियोलर इपिथिलियम एंड द कैपिलरी इंडोथिलियम इन टू द कैपिलरी ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज इन द अपोजिट डायरेक्शन। ऑर्थोडॉक्स सीड्स कैन बी प्रिजर्व्ड फॉर लॉन्ग पीरियड्स एट अ टेम्परेचर ऑफ आंसर विल बी बी -10 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस। ऑर्थोडॉक्स सीड्स सर्वाइव टू ड्राई और फ्रीजिंग ड्यूरिंग एक्स सीटू कंजर्वेशन एज अपोज टू रिकैल्सिट्रेंट सीड्स। ऑर्थोडॉक्स सीड्स विच कैन बी पार्शियली ड्राइड अप टू 5% मॉइस्चर एंड कैन बी स्टोर्ड इनडिफिनिटली एट लो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल सीरियल्स। इन अ सीड द एम्ब्रियो इज प्रेजेंट इन अ डॉर्मेंट स्टेज स्टेट। द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ सीड्स आर केप्ट लो 5 to 10% एंड दे आर स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर -10 डिग्री सेल्सियस टू -20 डिग्री सेल्सियस विथ अ सप्लाई ऑफ लिटिल ऑक्सीजन।
Identify the state that has the same edible part. Answer will be A, pear and apple. The edible part of most fruits is actually ovary, but in apples and pears, only the outer hypanthium layer is eaten. The fruit which develops from the ovary is called true fruit. Most of the fruits are true fruits. In any other floral parts taken takes part in fruit formation, it is called false fruit or pseudo carp. Example, apple pear. Question repeated है, पहले ही mock test में आ चुका है. Question number 16. In the central nervous system, myelinated fibers form the white matter, while the non-myelinated fiber form the gray matter. Answer B. Vinegar is obtained by double fermentation of a starch or sugary material. The first step fermentation is achieved by addition of Saccharomyces cerevisiae, and second step fermentation by the addition of, answer will be A, Acetobacter acetate. Vinegar is a liquid consisting mainly of acetic acid CH3CH and water. The microbial activity, the sugar is fermented by yeast or Saccharomyces cerevisiae, followed by bacterial oxidation of the ethanol to acetic acid, acidification by Acetobacter acetate. Which of the following statements is correct? A यहाँ पे कर रहा है, rRNA is the most abundant RNA. B, ribosomes are composed of approximately 80% rRNA and 20% ribosomal proteins. C, rRNA is a type of coding RNA. Answer यहाँ पे B होगा, statement A जो है correct है. rRNA is most abundant RNA. Okay. rRNA is most abundant in the cell. It constitutes 80% of the total RNA of the cell. Ribosomes are composed of approximately 60% rRNA and 40% ribosomal proteins. rRNA is a type of non-coding RNA. Which one of the following pairs is wrongly matched? So, here wrongly matched D hai, Pseudomonas, responsible for food poisoning and purity of Ganga water. बाकी ए बी सी जो है बिल्कुल सही है. नाइट्रोसोमोनास नाइट्रिफाइंग एंड कीमोलिथोट्रॉपिक बैक्टीरिया, रोडोस्पिरिलम नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया एंड फोटो ऑर्गेनोट्रॉप्स बैक्टीरिया, और ई कोलाई यूज्ड इन जेनेटिक इंजीनियरिंग एंड पॉल्यूशन इंडिकेटिंग बैक्टीरिया. सीडोमोनास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग द वायल कंटामिनेशन. दे एक्ट एज बायो रिमेडिएशन ऑर्गेनिजम्स. दीज ऑर्गेनिजम्स इन्हांस प्लांट ग्रोथ promotion and reduce the severity of various diseases. An ecotype is a type of species in which environmentally induced variations are, answer will be B, genetically fixed. A local population adapted genetically to its particular environment is called ecotype. There may be several ecotypes of the same organism which show variation amongst them. When only the first division is followed by cytokinesis, the development of endosperm is called, answer C, halobial. In the halobial type of endosperm development, the endosperm is intermediate between cellular and nuclear types. A halobial endosperm is one which the first mitotic division is followed by cytokinesis, delimiting two cells. Later, the nucleus of one cell continues with a nuclear type of development and the other cell divides in a cellular fashion. Which one of the following organisms is correctly matched with its three characteristics? Answer will be C, onion bulb, imbricate estivation and agile placentation. P is an example of having non-endospermic seed. Tomato flower has valvate estivation where the margins of adjacent petals or sepals touch each other without overlapping. In maize, the C4 pathway is observed. Onion forms bulb with imbricate estivation and agile placentation. Mark the correct statement. Answer B यहाँ पे है. All chondrichthyes are marine animals with a streamlined body with some exceptions. Chondrichthyes, they are
मेराइन एनिमल्स विथ अ स्ट्रीम लाइन बॉडी एंड हैविंग कार्टिलेजनस एक्सोस्केलेटन प्लासेंटल मैमल्स इंफ्रा क्लास यूथेरिया एनी मेंबर ऑफ द मैमेलियन ग्रुप कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ प्लासेंटा व्हिच फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्टेज बिटवीन द ब्लड ऑफ द मदर एंड दैट ऑफ द फिटस द प्लासेंटल इंक्लूड्स ऑल लिविंग मैमल्स एक्सेप्ट मार्सुपियल्स एंड मोनोट्रीम्स साइक्लोस्टोम्स आर मेराइन बट माइग्रेट फॉर स्पॉनिंग टू फ्रेश वाटर आफ्टर स्पॉनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई दियर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन केलॉन एंड टेस्टुडो रेप्टाइल्स आर नॉट एबल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर कैरोटीनॉइड्स आर आंसर बी हाइड्रोकार्बन्स कैरोटीनॉइड्स आर द प्लांट पिगमेंट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग ब्राइट रेड येल्लो एंड ऑरेंज कलर इन द प्लांट्स दीज आर वाटर इनसॉल्युबल पिगमेंट्स अनसैचुरेटेड मॉलिक्यूल्स बिल्ड्स अप ऑफ आइसोप्रीन यूनिट्स एंड आर रिलेटेड टू फाइटोल स्ट्रक्चरली हाइड्रा पजेजेज आंसर डी मेनी टेस्टिस एंड वन ओवरी द रिस्पायरेटरी क्वेश्चन ऑफ जर्मिनेटिंग कैस्टर सीड इज आंसर विल बी सी लेस देन वन रिस्पायरेटरी क्वेश्चन द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एब्जॉर्ब्ड इन रिस्पायरेशन ये लेस देन वन व्हेन फैट्स एंड प्रोटीन्स आर रिस्पायर्ड कैस्टर ऑयल इज रिच इन फैटी सब्सटेंसेज एनालाइज द पिक्चर गिवेन बिलो एंड फिल द लेबलिंग ए बी एंड सी ओके तो यहाँ पे ए बी सी यहाँ पे फिल करना है तो ए यहाँ पे जो है वो फ्रंटल लोब जो है थिंकिंग मेमोरी बिहेवियर और मोमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है बी यहाँ पे है ओसिपिटल लोब वो हमारा जो है रिस्पॉन्सिबल है साइट के लिए और सी यहाँ पे है ब्रेन स्टेम वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा ब्रीदिंग हार्ट रेट और टेम्परेचर के लिए ओके द फ्रंटल लोब ऑफ द सेरिब्रम कंट्रोल्स ऑल द वॉलंटरी एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी इट इज द सीट ऑफ मेमोरी व्हील इंटेलिजेंस रीजनिंग लर्निंग बिहेवियर एंड मूवमेंट द टेम्पोरल लोब इज रिस्पॉन्सिबल फॉर साइट एंड द ब्रेन स्टेम कंट्रोल्स द ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन रेगुलेट्स द हार्ट बीट एंड मेंटेन्स द टेम्परेचर इन कैनाबिस पॉलिनेशन इज कैरिड आउट बाई आंसर विल बी डी विंड एनिमोफिली इज द प्रोसेस ऑफ पॉलिनेशन बाई विंड एंड इज सीन इन कैनाबिस प्लांट्स कैनाबिस प्रोड्यूसेस अ वेल एक्सपोज्ड कलरलेस फ्लावर एंड अ लार्ज नंबर ऑफ अ स्मॉल पॉलन ग्रेन्स अराउंड 5 लाख पॉलन फ्रॉम द सिंगल फ्लावर विथ हेरी स्टाइल एंड स्टिग्मा गटेशन डिफर्स फ्रॉम ट्रांसपिरेशन इन विच रिस्पेक्ट आंसर विल बी ए इट अकर्स इन लिक्विड फॉर्म द प्रोसेस ऑफ एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स फ्रॉम द एजेज ऑफ लीव्स इज कॉल्ड गटेशन इन अदर वर्ड्स द प्रोसेस ऑफ द एस्केप ऑफ लिक्विड फ्रॉम द टिप ऑफ द अनइंजर्ड लीफ इज कॉल्ड गटेशन ओपनिंग ऑफ फ्लावर एंड ड्रूपिंग ऑफ अ बर्ड आर आंसर विल बी बी ईपी नेस्टी नेस्टिक मोमेंट्स आर नॉन डायरेक्शनल मोमेंट्स इन विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स और मोमेंट इज डिटरमाइंड बाई द ईपी नेस्टी ग्रेटर ग्रोथ ऑन द एडेक्सियल साइड एग्जाम्पल द ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स हाइपोनेस्टी ग्रेटर ग्रोथ ऑन एबेक्सियल साइड एग्जाम्पल क्लोजिंग ऑफ फ्लावर्स थिग्मो नास्टी और केमोनास्टिक बेंडिंग ऑफ टेंटिकल्स इन ड्रोसेरा थर्मोनास्टी मूवमेंट अकर्स इन द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ ट्यूलिप एंड क्रोकस फ्लावर्स इन इपीनेस्टी ओपनिंग ऑफ फर्न लीफ एंड स्प्रेडिंग ऑफ सेपल्स एंड पेटल्स ड्यूरिंग द ओपनिंग ऑफ द फ्लोरल बर्ड्स Which of the following is true regarding the given electron transport chain? Answer will be C is H plus yielding site and is H plus absorbing site. Choose the correct statement regarding the gift procedure. Answer will be B. Zygote is collected from a female donor and transferred to the fallopian tube. आइडेंटिफाई ए बी सी एंड डी ये हमारा क्वेश्चन रिपीटेड है पहले भी आ चुका है ये यहाँ पे जो हमारा होगा वो कैप्सूल होगा बी सीटा
सी लिप्स और डी राइजोइड्स। आंसर डी। डायग्राम गिवन बिलो इज ऑफ फ्यूनेरिया। इट इज अ मॉस। इट्स गैमेटोफाइट कंटेन एंथेरिडिया एंड आर्चिगोनिया सराउंडेड बाय लिप्स ऑन सेपरेट ब्रांचेज। रीड द स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड मार्क द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ये यहाँ पे कह रहा है मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर पोलिनेटेड बाई आइदर इंसेक्ट्स और एयर। ओके, बी यहाँ पे है वेलेसनेरिया इज डायोसियस एंड पोलिनेट्स अंडर वाटर। सी इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन द फीमेल फ्लावर ऑफ कैस्टर डज नॉट रिक्वायर ईमैस्कुलेशन। तो यहाँ पे आंसर जो हमारा होगा वो बी होगा, ओनली बी इज इनकरेक्ट। यहाँ पे बी इनकरेक्ट है, वेलेसनेरिया इज डायोसियस एंड पोलिनेट्स अंडर वाटर, तो ये हमारा गलत है। बाकी ए और सी हमारा सही है। मोस्ट ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स आर पॉलिनेटेड बाई आइदर इंसेक्ट्स और एयर, और इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन द फीमेल फ्लावर ऑफ कैस्टर डज नॉट रिक्वायर इमेस्कुलेशन। वेलेसनेरिया इज अ सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट। पॉलिनेशन इन दिस प्लांट इज इपी हाइड्रोफिलस। द पॉलिनेशन इज अचीव्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर। द मेल फ्लावर आर रिलीज फ्रॉम द स्टेमिनेट फ्लावर्स एंड रीच द वाटर सर्फेस एंड एक्सपोज द स्टामेंस। अ सिंगल लार्ज फीमेल फ्लावर डेवलप्स अंडर वाटर एंड कम्स टू द सर्फेस थ्रू द इलोंगेशन ऑफ इट्स पेडंकल। द मेल फ्लावर्स दैट आर डिस्पर्स्ड एग्रीगेट्स अराउंड अ फीमेल फ्लावर एंड पोलिनेशन हैपन विथ कॉन्टैक्ट बिटवीन स्टामेन एंड द स्टिग्मा। आफ्टर पोलिनेशन द पेडंकल ऑफ द फ्लावर ऑफ द फीमेल फ्लावर क्वाइल्स अप टाइटली एंड गेट्स रिट्रैक्टेड अंडर वाटर। अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम सीवियर चिल्स एंड रिकरिंग हाई फीवर फॉर 3 to 4 days वाज डायग्नोज्ड विद मलेरिया। द कॉजेटिव एजेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रेशन ऑफ अ टॉक्सिक सब्सटेंस विच रप्चर्स आरबीसीज। द सब्सटेंस इज कॉल्ड, आंसर विल बी डी, हीमोजुआइन। जिंक इज एसेंशियल फॉर, आंसर बी, बायोसिंथेसिस ऑफ 3-indole-acetic एसिड। प्लांट्स ऑब्टेन जिंक एज Zn2+ आयंस। इट एक्टिवेट्स वेरियस इंजाइम्स एस्पेशली कार्बोक्सिलेजेज। इट इज ऑल्सो नीडेड इन द सिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन। Indole-3-acetic एसिड 3-IAA इज द मोस्ट कॉमन नेचुरली अकरिंग प्लांट हार्मोन ऑफ द ऑक्सीजन क्लास। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्रोप्रिएट फॉर मास फ्लो हाइपोथेसिस। आंसर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ए बी सी तीनों करेक्ट हैं। ट्रांसपिरेशन पूल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयंस। लार्ज अमाउंट ऑफ आयंस आर ऑल्सो एब्जॉर्ब्ड अलॉन्ग विद द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, और एज सक्शन प्रेशर इंक्रीजेज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड अलॉन्ग विथ वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ आयन ऑल्सो इंक्रीजेज। स्टोरिंग कार्बोहाइड्रेट्स इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेकेराइड्स हैज विच ऑफ द फॉलोइंग एडवांटेजेज। आंसर डी, ऑल ऑफ दीज, यानी ड्यूरिंग दियर फॉर्मेशन मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर रिमूव फ्रॉम द मोनोसेकेराइड्स डिहाइड्रेशन सिंथेसिस कंडेंसिंग द बल्क टू बी स्टोर्ड। पॉलीसेकेराइड्स आर ब्रोकन डाउन बाई एंजाइम्स फॉर द रिलीज ऑफ एनर्जी वेन एवर रिक्वायर्ड, और अनलाइक स्मॉल कार्बोहाइड्रेट्स पॉलीसेकेराइड्स आर रिलेटिवली इजी टू स्टोर। विच ऑफ द फॉलोइंग मेल्स आर नॉट हेट्रोगैमेटिक। आंसर ए, बर्ड्स। इन द इवोल्यूशन ऑफ मैन सेवरल चेंजेज अकर्ड इन द एंसेस्ट्रल कैरेक्टर्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग चेंजेज इज इरेलीवेंट इन द कॉन्टेक्स्ट। आंसर विल बी सी, एबोरियल मोड ऑफ लाइफ स्टाइल। एबोरियल मोड ऑफ लाइफ स्टाइल हु स्पेंड द मेजोरिटी ऑफ दियर लाइफ इन ट्री। दे ईट, स्लीप एंड प्ले इन द ट्री कैनोपी। ओवर द ईयर्स वी हैव स्टार्टेड लाइनिंग इन द हाउस हाउसेज मेड बाई मैन। वी डोंट लीड एरबोरियल लाइफ स्टाइल एनी मोर। ए बी ओ ग्रुप्स इन ह्यूमन्स आर कंट्रोल्ड बाई द जीन आई। इट हैज 3 एलील्स, IA, IB एंड I। सिंस देयर आर 3 different एलील्स, 6 different जीनोटाइप्स आर पॉसिबल। हाउ मेनी फिनोटाइप्स कैन अकर। आंसर विल बी D4। द 3 एलील्स इन ए बी ओ ग्रुप इन ह्यूमन्स कैन प्रोड्यूस 6 different जीनोटाइप्स एंड 4 different फिनोटाइप्स। जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स यहाँ पे है
ओके, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक आरएनए मोर लेबाइल एंड इजली डिग्रेडेबल? आंसर विल बी सी, प्रेजेंस ऑफ टू डैश ओएच ग्रुप एट एवरी न्यूक्लियोटाइड। द प्रेजेंस ऑफ टू डैश ओएच ग्रुप एट एवरी न्यूक्लियोटाइड मेक्स द आरएनए लेस स्टेबल देन द डीएनए। ओएच ग्रुप्स आर हाईली रिएक्टिव विच मेक्स आरएनए केमिकली प्रोमिशियस। डीएनए डज नॉट हैव अ स्पेयर ओएच ग्रुप इन इट्स शुगर मॉलिक्यूल। द ओनली ओएच ग्रुप इज यूज अप इन द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स। विच स्टेटमेंट रिगार्डिंग को इंजाइम इज इनकरेक्ट? आंसर विल भी यहाँ पे बी जो है इनकरेक्ट होगा। एवरी को इंजाइम इज अ को फैक्टर बट एवरी को फैक्टर इज नॉट अ को इंजाइम, ये हमारा गलत है। बाकी ए सी और डी बिल्कुल सही है। एवरी को फैक्टर इज अ को इंजाइम एंड एवरी को इंजाइम इज अ को फैक्टर। मोस्ट ऑफ द को इंजाइम आर न्यूक्लियोटाइड्स एंड आर कंपोज ऑफ विटामिन्स। को इंजाइम्स आर एक्टिव कंस्टिट्यूएंट ऑफ इंजाइम्स। एवरी को इंजाइम इज अ को फैक्टर बट एवरी को फैक्टर इज नॉट को इंजाइम। को फैक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड डिपेंडिंग ऑन हाउ टाइटली दे बाइंड टू एन इंजाइम। विथ लूजली बाउंड को फैक्टर्स टर्म्ड को इंजाइम्स एंड टाइटली बाउंड को फैक्टर्स टर्म्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप्स। को फैक्टर यहाँ पे सिंपल मेटल मेटल आयंस है। यहाँ पे करेक्शन होगा, यहाँ पे स्पेस देना चाहिए था। सिंपल मेटल आयंस जो है वो इनऑर्गेनिक है यहाँ पे, और कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक ग्रुप में एक्सेप्ट प्रोटीन को इंजाइम्स। द ग्राफ इंडिकेट्स आंसर ए स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज अ टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दैट फेवर्स द एवरेज इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन। दिस प्रोसेस सेलेक्ट्स अगेंस्ट द एक्सट्रीम फिनोटाइप्स एंड इंस्टीड फेवर्स द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन दैट इज वेल एडेप्टेड टू द एनवायरमेंट। स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन इज ऑफन शोन ऑन अ ग्राफ एज अ मॉडिफाइड बेल कर्व दैट इज नैरोवर एंड टॉलर देन द नॉर्मल। इफ द मेल प्लांट इज टेट्राप्लॉयड एंड फीमेल प्लांट इज डिप्लॉयड, व्हाट विल बी द प्लॉयडी लेवल ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर फर्टिलाइजेशन? आंसर विल बी B4N। एंडोस्पर्म इज फाउंड बाय यूनियन ऑफ फीमेल सेंट्रल सेल विथ मेल गैमेट। डिप्लॉयड फीमेल प्लांट विल फॉर्म हैप्लॉयड फीमेल गैमेटोफाइट एंड लार्ज सेंट्रल सेल विथ टू पोलर न्यूक्लियाई गिविंग 2N स्टेज। टेट्राप्लॉयड मेल प्लांट विल प्रोड्यूस 2N मेल गैमेट व्हेन 2N मेल गैमेट फ्यूज विथ टू पोलर न्यूक्लियाई ऑफ सेंट्रल सेल ऑफ द फीमेल। इट विल फॉर्म एंडोस्पर्म विथ प्लॉयडी लेवल 4N। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड हैपन इफ द सप्लाई ऑफ O2 इज डिक्रीज टू एन इल्यूमिनेटेड व्हीट प्लांट? आंसर विल बी सी, इट्स फोटोसिंथेसिस वुड इंक्रीज। इफ द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर डिक्रीजेज देन फोटोसिंथेसिस विल इंक्रीज इन C3 साइकिल व्हीट एंड नो चेंज इन C4 साइकिल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड? आंसर ए एनाफेज वन होमोलोगस क्रोमोजोम्स आर सेपरेटेड। एनाफेज वन इन्वॉल्व सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम विच स्टार्ट मूविंग अपोजिट पोल सो इच टेट्राइड इज डिवाइडेड इंटू टू डाउटर डायाड्स। इन मेटाफेज वन सेंट्रोमेयर्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स लाई इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इक्वेटर एंड आर डायरेक्टेड टुवार्ड्स द पोल्स विच आर्म्स वाइल आर्म्स जनरली लाई हॉरिजॉन्टली ऑन द इक्वेटर। ईच होमोलोगस क्रोमोजोम्स हैज टू काइनेटोकोर्स एंड बोथ द काइनेटोकोर्स ऑफ अ क्रोमोजोम आर ज्वाइंट टू द क्रोमोजोमल और ट्रैक्टाइल फाइबर्स ऑफ सेम साइड्स। वेयर एज प्रोफेज फर्स्ट इज डिवाइडेड इंटू फाइव सरफेज दैट इज लेप्टोटीन जैगोटीन पैकेटीन डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। इंटरफेज इट इज द पीरियड बिटवीन द एंड ऑफ वन सेल डिविजन टू द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट सेल डिविजन। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेस्टिंग फेज और नॉन डिवाइडिंग फेज। द फर्स्ट प्लांट टू अपीयर आफ्टर अ फॉरेस्ट फायर आर द फर्न्स। दिस इज बिकॉज ऑफ द सर्वाइवल ऑफ दियर। आंसर विल बी सी राइजोम्स। फर्न्स आर जनरली द फर्स्ट कॉलोनाइजर्स ऑफ बर्नड डाउन फॉरेस्ट एरिया। दिस इज ड्यू टू परसिस्टेंस ऑफ देयर अंडरग्राउंड राइजोम्स व्हाइल द एबो ग्राउंड पार्ट्स गेट बर्नड अप।
द फाइटो हॉर्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीजिंग द सेल्फ लाइफ ऑफ कट फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स ऑल्सो हेल्प इन, आंसर विल बी डी, ओवरकमिंग एपिकल डोमिनेंस एंड हेल्प्स इन स्प्राउटिंग ऑफ लेटरल बर्ड्स. फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग विथ रिस्पेक्ट टू प्रोटिस्टा. आंसर इज सी, स्लाइम मोल्ड्स फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडियम. स्लाइम मोल्ड्स आर सेप्रोफाइटिक प्रोटिस्ट. दे द बॉडी मूव्स अलोंग डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स इनगल्फिंग ऑर्गेनिक मटेरियल. अंडर सुटेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड प्लाज्मोडियम विच मे ग्रो एंड स्प्रेड ओवर सेवरल फीट. ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस द प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट्स एंड फॉर्म्स फ्रूटिंग बॉडीज बियरिंग स्पोर्स एट दियर टिप्स. द स्पोर्स पजेज ट्रू वास, दे आर एक्सट्रीमली रेजिस्टेंट एंड सर्वाइव फॉर मेनी ईयर्स इवन अंडर एडवर्स कंडीशंस. द स्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाई एयर करेंट्स. The sub units of the protein coat of a virus determine its, answer will be D, shape. The protein coat of a virus called capsid is made of a small sub units called capsomeres, which protects the nucleic acid. The capsomeres are arranged in helical or polyhedral geometric forms. Which of the following are correctly matched? A यहाँ पे कर रहा है इथाइलिन, थिनिंग ऑफ कॉटन, चेरी एंड वॉलनट, बिल्कुल सही है. बी यहाँ पे कर रहा है एंटागोनिस्ट टू जिब्रोलिक एसिड, बिल्कुल ये सही है. सी यहाँ पे कर रहा है साइटोकाइनिन, स्पीड ऑफ द माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री, तो ये हमारा गलत है. जिब्रोलिन का ये जो है फंक्शन है. और डी यहाँ पे कर रहा है जींस प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, तो ये भी बिल्कुल सही है. तो ए बी डी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे, सी यहाँ पे इनकरेक्ट होगा. क्वेश्चन नंबर 53. चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग. ए यहाँ पे कह रहा है 12 पेयर ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट. बी, रिब्स डॉर्सली आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम एंड वेंट्रली विथ द वर्टिब्रल कॉलम. सी, रिब्स आर नॉट बाइसेफेलिक. और डी यहाँ पे है, रिब्स आर अटैच्ड विथ स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. यहाँ पे इनकरेक्ट पूछ रहा है, तो बी और सी यहाँ पे इनकरेक्ट होंगे. रिब्स डॉर्सली आर्टिकुलेट विथ स्टर्नम एंड वेंट्रली विथ वर्टिब्रल कॉलम और रिब्स आर नॉट बाइसेफेलिक, ये हमारा बी सी गलत है और ए डी हमारा बिल्कुल सही है. 12 पेयर्स ऑफ रिब्स आर प्रेजेंट और रिब्स आर अटैच्ड विद स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज. स्टेटमेंट्स बी एंड सी आर इनकरेक्ट. दे आर 12 पेयर्स ऑफ रिब्स, ईच रिब इज ऑफ थिन फ्लैट बोन कनेक्टेड डॉर्सली टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम. ओके, तो यहाँ पे जो है वो रिवर्स दिया हुआ है क्वेश्चन में. इट हैज टू आर्टिकुलेशन सर्फेस ऑन इट्स डॉर्सल एंड हेंस इज कॉल्ड बाइसेफेलिक. क्राई सेकेंड ए बी एंड क्राई फर्स्ट ए बी प्रोड्यूस टॉक्सिन्स दैट कंट्रोल. आंसर विल बी ए, कॉटन बॉल वर्म्स एंड कॉर्न बोरर रेस्पेक्टिवली. बीटी टॉक्सिन इज कोडेड बाई अ जीन नेम्ड क्राई. देर आर अ नंबर ऑफ देम, एग्जाम्पल द प्रोटीन इन कोडेड बाई द जीन क्राई फर्स्ट ए सी एंड क्राई सेकेंड ए बी कंट्रोल द कॉटन बॉल वॉर्म. ओके, एंड दैट क्राई फर्स्ट ए बी कंट्रोल्स कॉर्न बोरर. ये भी हमारा जो क्वेश्चन है रिपीटेड है, पहले भी आ चुका है. अ ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट मटेरियल शोज द फॉलोइंग एनाटोमिकल फीचर्स अंडर अ माइक्रोस्कोप. थिक क्यूटिकल, सनकिन स्टोमाटा, डिसकंटिन्यूअस स्क्लेरेंकाइमेटस, हाइपोडर्मिस, आर्म्ड पैरेन्काइमा, टी शेप्ड स्क्लेरेंकाइमेटस गर्डल, टू कंजॉइंट कोलेटरल एंड ओपन वैस्कुलर बंडल. द प्लांट मटेरियल मस्ट बी ए, आंसर विल बी सी, पाइनस नीडिल. पाइनस नीडिल हैव थिक क्यूटिकल, दे हैव सनकेन स्टोमाटा एंड हैव रेजिन डक्ट बीनीथ द क्यूटिकल, हेंस देयर हाइपोडर्मिस इज डिसकंटिन्यूअस. पाइनस कैन बी हैप्लोजाइलोन, दैट इज वन फाइब्रोवैस्कुलर बंडल, और डिप्लोजाइलोन, दैट इज टू फाइब्रोवैस्कुलर बंडल. हेंस द एबव गिवन ट्रांसवर्स सेक्शन इज ऑफ पाइनस नीडिल. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एग्रीकल्चर. आंसर डी ऑल ऑफ दीज, यानी ए बी सी तीनों यहाँ पे होंगे. यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी यानी डिपेंडेंसी ऑफ क्रॉप्स ऑन केमिकल पेस्टिसाइड्स हैज रिड्यूस्ड. जेनेटिक मॉडिफिकेशन हैज मेड द क्रॉप्स मोर रेजिस्टेंट टू
ए बायोटिक स्ट्रेसेज और हैव रिड्यूस्ड पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेज। ओके, अननेचुरली अकरिंग कोटिंग स्ट्रैंड कंपोज ऑफ अल्टरनेटिंग सी एंड ई रेसिड्यूज वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, एंसर विल बी ए, अ पॉलीपेप्टाइड कंटेनिंग अल्टरनेटिंग ल्यूसीन एंड सेरीन रेसिड्यूज, बिकॉज सी यू सी एंड यू सी सी कोड्स फॉर रेस्पेक्टिवली ल्यूसीन एंड सेरीन। फाइंड द ऑल्ड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग, एंसर विल बी सी, अ स्कैपुला ऑफ शोल्डर बोन, स्टर्नम, क्रेनियल बोन्स, वर्टिब्री, ह्यूमरस, थाई, टिबिया एंड फिब्यूला, रेडियस एंड अल्ना, मेटाकार्पस एंड मेटाटार्सल, फैलेंजेज ऑफ फिंगर्स एंड टोज, कार्पस ऑफ रिस्ट एंड टार्सल्स ऑफ एंकल आर द बोन्स ऑफ द लिम्स, स्कैपुला ऑफ शोल्डर बोन, स्टर्नम, क्रेनियल बोन्स, वर्टिब्री आर द बोन्स ऑफ गर्डल एंड एक्सियल स्केलेटन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट ऑप्शन विथ रेफरेंस टू पैथोजेनिक बैक्टीरिया एंड डीडीटी। यहाँ पे आंसर यहाँ पे डी होगा। बैक्टीरिया कैन बी डिग्रेडेड बाई लिविंग सेल्स एंड डीडीटी कैनॉट बी डिग्रेडेड बाई लिविंग सेल्स। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एंड बायोडिग्रेडेबल, व्हाइल डीडीटी इज अ नॉन बायोडिग्रेडेबल पोलूटेंट एंड अंडरगो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर पार्टिकल्स अबाउट 200 एंगस्ट्रॉम यूनिट्स इन डायमीटर कंसिस्टिंग ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। द परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए रिस्पेक्टिवली इज, आंसर विल बी बी 40% एंड 60%। द कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स इज अबाउट 60% आरएनए एंड 40% प्रोटीन बाई वेट। ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है, पिछले मॉक टेस्ट में आ चुका है। द प्रोसेस ऑफ माइग्रेशन ऑफ क्लोराइड आयन्स फ्रॉम प्लाज्मा टू आरबीसी एंड ऑफ कार्बोनेट आयन्स फ्रॉम आरबीसी टू प्लाज्मा इज, आंसर विल बी ए, क्लोराइड शिफ्ट। ओके, ये भी क्वेश्चन जो है वो पहले के मॉक टेस्ट में आ चुके हैं। ड्यूरिंग द ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 थ्रू द ब्लड, कार्बोनेट आयन्स डिफ्यूज आउट ऑफ आरबीसीज, व्हाइल क्लोराइड आयन्स फ्रॉम प्लाज्मा इंटर द आरबीसीज टू मेंटेन आयनिक इक्विलिब्रियम, दिस इज कॉल्ड द क्लोराइड शिफ्ट। मायोपिया विजन इज करेक्टेड बाय वियरिंग, आंसर विल बी बी कनकेव लेंसेज। इन मायोपिया और नियर साइटेडनेस द आई बॉल इज एंटेरियो पोस्टेरियरली इलोंगेटेड सो दैट द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ येलो स्पॉट, द डिफेक्ट कैन बी रिमूव्ड बाय यूजिंग कॉनकेव ग्लासेज। इन प्लाज्मोडियम सिस्ट अराउंड द ऊ काइनेट इज, आंसर विल बी डी, पार्शियली सिक्रेटेड बाय द स्टोमक वॉल एंड पार्टली बाय द ऊ काइनेट इटसेल्फ। द इंसिस्टेड जाइगोट इज कॉल्ड ऊ सिस्ट ऊ काइनेट, द सिस्ट वॉल ऑफ द ऊ सिस्ट इज पार्शियली पार्टली सिक्रेटेड बाय द जाइगोट एंड पार्टली बाय द स्टोमक वॉल ऑफ मॉस्क्यूटो। द लीस्ट टॉक्सिक नाइट्रोजिनस वेस्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय, आंसर बी, बर्ड्स एंड लिजर्ड्स। द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज कॉल्ड यूरिकोटेलिज्म, द एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड इज एडवांटेजियस फॉर दोज एनिमल्स विच हैव टू कंजर्व वाटर फॉर दियर सर्वाइवल लाइक बर्ड्स एंड लिजर्ड्स। ओव्यूल्स इन पाइनस आर जनरली, आंसर विल बी बी, एनाट्रोपस विथ वन इंटेगुमेंट। द ओव्यूल ऑफ पाइनस इज एनाट्रोपस विथ वन इंटेगुमेंट डिफ्रेंशिएटेड इंटू थ्री आउटर फ्लेसी, मिडिल स्टोनी एंड इनर फ्लेसी। क्वेश्चन नंबर 66, क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ गैमिट्स ऑफ थ्रेटन्ड एनिमल, थ्रेटन्ड स्पीसीज इज वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रिफर टू एज, आंसर विल बी एडवांस्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। क्रायोप्रिजर्वेशन ऑफ गैमिट्स ऑफ थ्रेटन्ड स्पीसीज इज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रिफर टू एज एडवांस्ड एक्स सीटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, बिकॉज दीज गैमिट्स आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन एट टेम्परेचर ऑफ अबाउट -196 डिग्री सेल्सियस। सेलेक्ट द करेक्ट पेयरिंग, तो यहाँ पे करेक्ट पेयरिंग होंगे डी, आयरिस इनवॉलंटरी अनस्ट्रिएटेड मसल, स्मूथ मसल्स आर प्लेन नॉन स्ट्रिएटेड इनवॉलंटरी और अनस्ट्राइव्ड मसल्स ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ स्ट्रिएशंस, दीज मसल्स अकर इन द वॉल्स ऑफ हॉलो इंटरनल ऑर्गेन्स, इन कैप्सूल ऑफ लिम्फ ग्लैंड, स्प्लीन, इट इज सी इन आयरिस एंड सिलियरी बॉडी ऑफ आइज, स्किन, डर्मिस, पेनिस एंड अदर एसेसरी जेनेटेलिया एक्सेट्रा।
हाउ मेनी ट्रॉफिक लेवल्स आर देयर इन द फूड चेन? आंसर विल बी सी, 3 to 4. प्लांट्स रिप्रेजेंट द फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल एंड द हर्बीवर्स मेक द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल. द प्राइमरी कार्निवर्स कंस्टिट्यूट द थर्ड ट्रॉफिक लेवल एंड द सेकेंडरी कार्निवर्स सच एज लार्ज फिश मैन एक्सेट्रा कंस्टिट्यूट द फोर्थ ट्रॉफिक लेवल ऑफ एन इकोसिस्टम. द डिक्लाइनिंग फेज ऑफ अ पॉपुलेशन अकर्स व्हेन? आंसर विल बी ए, मोर्टिलिटी इज ग्रेटर देन नेटिलिटी. द डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन हैज अ हायर डेथ रेट देन द बर्थ रेट, सो द पॉपुलेशन ऑफ यंग मेंबर्स इज लोअर देन दैट ऑफ ओल्ड मेंबर्स. ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर हैज 8 क्रोमोजोम्स इन इट्स सोमैटिक सेल्स, हाउ मेनी लिंकेज ग्रुप्स विल बी देयर? आंसर विल बी ए, 4. द नंबर ऑफ लिंकेज ग्रुप्स इन एन ऑर्गेनिज्म इज इक्वल टू द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स. इन ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर 2n इक्वल टू 8, हेंस n इक्वल टू 4 लिंकेज ग्रुप्स. विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट की स्टोन स्पीसीज इन एन इकोसिस्टम? आंसर विल बी डी, दे आर मेन कंट्रीब्यूटर्स टू इकोसिस्टम प्रॉपर्टीज. मैच द होमिनिड्स विद करेक्ट ब्रेन साइज. इसका हमने ट्रिक भी बना रखा है, पहले भी बताया था कि होमो हैबिलिस में, यहाँ पे होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो निडल्थिस और होमो सेपियंस में होमो तो सारे में कॉमन है, बाकी एच हो गए फर्स्ट में, सेकंड में एन, ई और एस. तो हमने बताया था हैबिलिस का एच फोर हेक्सा, एच फोर सिक्स याद रखना, हेक्सा फोर सिक्स, तो आपको ए का हो जाएगा थर्ड, यानी कि 652 800 cc. होमो निडेल्थेलिस का हमने बताया था कि एन फोर नाइट्रोजन और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो आप 1400 cc यानी बी का 4 हो जाएगा. और होमोडेटस में हमने बताया था ई को आप रिवर्स करेंगे तो 9 हो जाएगा, तो सी का फर्स्ट यानी 900 cc हो जाएंगे. और बाद लास्ट में बच गया होमोसेपियंस, तो उसका हो जाएगा सेकेंड, यानी कि 1350. निडेल्थेलिस से थोड़ा कम होता है, 50 cc कम. ओके, आंसर विल बी सी यहाँ पे हो जाएगा. और ये रहे सेम एक्सप्लेनेशन जो हमने डिस्कस कर लिया है. एन एग्जाम्पल ऑफ एग्जाइल प्लासेंटेशन इज, आंसर विल बी बी, लेमन. ओके, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है. आर्जीमोन एंड मैरीगोल्ड बिलोंग टू द फैमिली एस्टेरेसी विच इज कैरेक्टराइज बाई बेसल प्लासेंटेशन. इन लेमन एग्जाइल प्लासेंटेशन इज फाउंड और डायंथस बिलोंग्स टू कैरियोफाइलेसी. मैच द कॉलम वन विथ कॉलम टू, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है. पी वेव का 4 यानी कि डीपोलराइजेशन ऑफ एट्रिया होगा. क्यू आर एस कम्प्लेक्स का फर्स्ट यानी डीपोलराइजेशन ऑफ वेक्टर वेंट्रिकल्स, सी का सेकेंड, टी वेव का यानी कि रिपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स और डी का थर्ड यानी रिडक्शन इन द ब्रेन, रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव का होगा थर्ड यानी कोरोनरी इस्केमिया. ओके, रिपीटेड क्वेश्चन है. आगे बढ़ते हैं. आर एन ए विच कैरी एमिनो एसिड फ्रॉम द साइट ऑफ लाइज टू द राइबोजोमीज, आंसर विल बी बी, टी आर एन ए. ये भी जो क्वेश्चन है हमारा रिपीटेड है. टी आर एन ए कैरीज एमिनो एसिड एट इट्स 3-end एमिनो एसिड अटैचमेंट साइट. द सेल वॉल थिकनिंग मटेरियल इन कोलेनकाइमा इज, आंसर विल बी ए, पेक्टिन, सेलुलोज और हेमी सेलुलोज. कोलेनकाइमा सेल्स हैव थिकनिंग ऑन द सेल वॉल एंड इन कॉर्नर्स ऑफ इंटर सेलुलर स्पेसेज. दे आर नॉट फाउंड इन रूट्स एंड मोनोकॉट्स. दीज सेल्स फॉर्म हाइपोडर्मिस इन स्टेम एंड पेटियोल. इट इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू विथ अ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. द थिकनिंग मटेरियल इज इन द सेल वॉल कंटेन्स पेक्टिन, सेलुलोज, हेमी सेलुलोज. व्हाट इज द फूड हैबिट ऑफ द ओरिजिनल वेराइटी ऑफ डार्विंस फिंचेज फ्रॉम विच मेनी अदर वेराइटीज आर डेवलप्ड? आंसर विल बी ए, सीड ईटर. इनुलिन फाउंड इन प्लांट सेल इज ए, आंसर विल बी सी, पॉलीसेक्राइड. इट इज एन अनयूजुअल पॉलीसेक्राइड एंड पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज. इट इज यूज एज फ्रक्टोज पर्टिकुलरली इन रूट्स एंड ट्यूबर ऑफ द फैमिली कॉम्पोजिटी, एग्जाम्पल डहलिया ट्यूबर्स. केमिकली हॉर्मोन्स आर, आंसर विल बी बी, प्रोटीन्स, स्टेरॉइड्स एंड बायोजेनिक एमाइंस. हॉर्मोन्स आर केमिकल मैसेंजर्स फॉर्म्ड बाई इंडोक्राइन सेल्स. केमिकली हॉर्मोन्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स,
एमिनो एमाइंस कंपोज ऑफ अमीनो ग्रुप एग्जाम्पल मेलाटोनिन, एमिनो एसिड एग्जाम्पल थायरोक्सिन, पेप्टाइड्स एग्जाम्पल इंसुलिन और स्टेरॉइड्स एग्जाम्पल एल्डोस्टेरॉन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज इनकरेक्टली मैच्ड? आंसर ए ग्लूकागोन बीटा सेल्स सोर्स इसका है, ये बिल्कुल गलत है। बीटा सेल्स जो है से जो है वो हमारा इंसुलिन निकलता है और ग्लूकागोन जो है अल्फा सेल्स से निकलते हैं। सोमैटोस्टैटिन बाकी 20 जो है करेक्टली मैच्ड है। सोमैटोस्टैटिन डेल्टा सेल्स, कॉर्पस लूटियम रिलैक्सिन और इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस। ग्लूकागोन इज सेक्रेटेड बाय सेल्स ऑफ द आइलेट ऑफ लैंगरहंस इन द पैनक्रियाज। इट इंक्रीजेस द कंसेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इन द ब्लड बाय स्टिमुलेटिंग द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजेन हो गया। क्वेश्चन नंबर 81, द एंट्रम इज, आंसर विल बी ए फ्लूइड फिल्ड कैविटी ऑफ ग्राफियन फॉलिकल। द एंट्रम इज अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस फाउंड इन एंट्रल और ग्राफियन फॉलिकल्स ऑल्सो कॉल्ड द फॉलिकुलर कैविटी। ड्यूरिंग क्लीवेज ऑल द फॉलोइंग इंक्रीजेज एक्सेप्ट, आंसर सी साइज ऑफ ब्लास्टोमियर। विथ एवरी क्लीवेज डिविजन द साइज ऑफ रिजल्टेंट ब्लास्टोमियर्स डिक्रीजेज ड्यू टू वेरी शॉर्ट इंटरफेजेज। इन कॉकरोच द कॉमन डक्ट ऑफ सेलिवरी रिजर्वायर ओपन्स एट द बेस ऑफ द, आंसर विल बी डी हाइपोफैरिंक्स। हाइपोफैरिंक्स इज अ स्मॉल सिलिंड्रिकल माउथ पार्ट प्रेजेंट बिटवीन फर्स्ट मैगिला एंड कवर्ड बाई लैब्रम एंड लेबियम ऑन डोर्सल एंड वेंट्रल साइड्स रिस्पेक्टिवली। इट बियर्स सेवरल सेंसरी सीटा ऑन इट्स फ्री एंड एंड द ओपनिंग ऑफ द कॉमन सेलिवरी डक्ट अपॉन इट्स बेसल पार्ट। द सेल वॉल ऑफ द डायटम इज मेड अप ऑफ, आंसर विल बी बी सिलिका। सेल वॉल ऑफ डायटम इज डिपॉजिटेड विथ सिलिका आफ्टर द डेथ ऑफ डायटम्स। सेल वॉल इज रेजिस्टेंट टू डिकम्पोजिशन, पाइल्स अप एट द फ्लोर ऑफ वाटर बॉडी एंड फॉर्म्स डायटोमियस अर्थ। द वर्सेटाइल एंथर्स आर हेल्पफुल फॉर, आंसर ए एनिमोफिली। सम फीचर्स ऑफ वाइल्ड वाइंड पोलिनेटेड फ्लावर्स एनिमोफिलस आर, फर्स्ट फ्लावर्स आर डिवाइड ऑफ सेंट एंड नेक्टर, इनफ्लोरेसेंस जनरेट पेंडेंट फॉर स्विंगिंग पर्पोज और एंथर जनरली वर्सेटाइल। प्लांट्स प्रोड्यूस वेरी लार्ज क्वांटिटी ऑफ डस्टी पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा में बी लार्ज एंड फेदरी ऑफ ब्रूशी। द प्रोकैरियोट्स क्रोमेटोफोर्स आर, आंसर विल बी डी इंटरनल मेम्ब्रेन सिस्टम दैट मे बिकम एक्सटेंसिव एंड कॉम्प्लेक्स इन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। सम प्रोकैरियोट्स लाइक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी पजेजेस स्मॉल मेम्ब्रेन लाइंड क्रोमेटोफोर्स विच आर सिमिलर टू बट केमिकली सिंपलर देन द क्लोरोफिल ऑफ प्लांट्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इन ह्यूमंस, आंसर यहाँ पे सी होगा। काइलोमाइक्रोन्स आर स्मॉल लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स दैट आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द इंटेस्टाइन इन टू ब्लड कैपिलरीज। काइलोमाइक्रोन्स आर लिपोप्रोटीन पार्टिकल्स सिंथेसाइज बाई इंटेस्टाइनल इपिथेलियल सेल्स एंड कंसिस्टिंग मेनली ऑफ ट्राइग्लिसराइड्स। काइलोमाइक्रोन्स आर द फॉर्म इन विच डाइट्री फैट इज ट्रांसपोर्टेड इन द सर्कुलेटरी सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ ऑक्जीन, आंसर बी फ्रूट राइपनिंग जो है वो ऑक्जीन का फंक्शन नहीं है, बाकी ए सी डी जो है फंक्शन है सेल इलोंगेशन, सेल डिवीजन और इनहिबिट द रूट ग्रोथ। ऑक्जीन हेल्प्स टू इनिशिएट रूटिंग इन स्टेम कटिंग एन एप्लीकेशन वाइडली यूज फॉर प्लांट प्रोपेगेशन। ऑक्जीन्स प्रोमोट फ्लावरिंग, एग्जाम्पल इन पाइन एपल्स दे हेल्प टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस बट प्रोमोट द एब्सिजन ऑफ ओल्डर मैच्योर लीव्स एंड फ्रूट्स। इन मोस्ट हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द लेटरल एक्जिलरी बड्स, अ फेनोमेनन कॉल्ड एपिकल डोमिनेंस। ऑक्जीन्स ऑल्सो इंड्यूस पार्थेनोकार्पी, एग्जाम्पल इन टोमैटोज दे आर वाइल्डली यूज एज हर्बिसाइड्स। 2,4-D वाइल्डली यूज टू किल डाइकोटिलेडोनस वीड्स, डज नॉट अफेक्ट मैच्योर मोनोकोटिलेडोनस प्लांट्स। इट इज यूज टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स बाई गार्डनर्स। ऑक्जीन्स ऑल्सो कंट्रोल
जाइलम डिफरेंशिएशन एंड हेल्प्स इन सेल डिवीजन। इथाइलिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। क्वेश्चन नंबर 89, व्हेन अ क्रॉस इज मेड बिटवीन ऑफ स्प्रिंग एंड इट्स पेरेंट्स इट इज नोन एज। आंसर विल बी सी, बैक क्रॉस। इन प्लांट ब्रीडिंग द बैक क्रॉस इज परफॉर्म्ड अ फ्यू टाइम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रेट्स ऑफ दैट पेरेंट। अ टेस्ट क्रॉस इज स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस वेयर द F1 प्रोजेनी इज मेटेड विद अ रिसेसिव पेरेंट। इन प्लांट ब्रीडिंग द बैक क्रॉस इज परफॉर्म्ड अ फ्यू टाइम्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज द ट्रेट्स ऑफ दैट पेरेंट। अ टेस्ट क्रॉस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ बैक क्रॉस वेयर द F1 प्रोजेनी इज मेटेड विद अ रिसेसिव पेरेंट। लास्ट क्वेश्चन है बायो का, देयर इज नो DNA इन। आंसर विल बी ए, मैच्योर RBC। द रेड ब्लड सेल्स आर द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्लड सेल्स एंड डिलीवरिंग ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू वाया द ब्लड। देयर इज नो DNA इन मैच्योर RBC। द रेटिकुलर साइट इज द इमीडिएट प्रिकर्सर ऑफ द मैच्योर RBC एंड विद इन 24 आवर्स ऑफ रिलीज इन टू द पेरीफेरल सर्कुलेशन इन्वॉल्व इन टू द मैच्योर RBC एंड लॉसेस इट्स न्यूक्लियस। ओके, ये सारे थे बायो क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे प्लीज लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे। अब आते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। ए प्लस Na2CO3 गिव्स बी प्लस सी एंड सेकेंड ए CO2 मिल्की। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ए एंड बी आर रेस्पेक्टिवली। आंसर विल बी बी, CaOH होल ट्वाइस एंड NaOH। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स आर एसिडिक। CuMn2O7, CoSO2 और CrO3। आंसर विल बी ए, CrO3, Mn2O7 एंड SO2। अ 5 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4 इज डायल्यूटेड फ्रॉम 1 लीटर टू अ वॉल्यूम ऑफ 10 लीटर्स। द नॉर्मेलिटी ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी। आंसर डी, 1N। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एप्सम सॉल्ट। आंसर बी, Mg(SO4.7H2O)। विच कंपाउंड एग्जिबिट्स मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। आंसर विल बी सी, पैरा एमिनो नाइट्रोबेंजीन। द यूनिट सेल विथ क्रिस्टलोग्राफिक डायमेंशन ए इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी इज अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा इक्वल टू 90 डिग्री। आंसर विल बी बी, टेट्रागोनल। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्लोरोफॉर्म व्हेन केप्ट ओपन इज ऑक्सीडाइज टू। आंसर विल बी बी, CoCl2। द नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स फॉर C6H14 इज। आंसर विल बी बी, 5। अ मिक्सचर ऑफ बेंजल्डिहाइड एंड फॉर्मल्डिहाइड ऑन हीटिंग विद एक्वस NaOH सॉल्यूशन गिव्स मेन प्रोडक्ट हैज। आंसर विल बी ए, बेंजाइल अल्कोहल एंड सोडियम फॉर्मेट। द कंसेंट्रेशन ऑफ Ki एंड KCl इन अ सर्टेन सॉल्यूशन कंटेनिंग बोथ इज 0.001 mL इच। इफ 20 mL ऑफ दिस सॉल्यूशन इज एडेड टू 20 mL ऑफ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgI इन वाटर, व्हाट विल हैपन। KSP ऑफ AgCl इक्वल टू 10^-10, KSP ऑफ AgI इक्वल टू 10^-16। आंसर ए, AgI विल बी प्रेसिपिटेटेड। फॉर अ हाइपोथेटिकल हाइड्रोजन लाइक एटम द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज गिवेन बाई ईव इंटू आर इक्वल टू -Ku² / r³, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल्स। इफ बोर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज अप्लीकेबल देन वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल इज गिवेन बाई। आंसर विल बी सी, वी इक्वल टू Nqh³ / 24 Ka² / q m²। फिनॉल कैन बी टेस्टेड बाई। आंसर विल बी डी, ऑल ऑफ दिज यानी लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, न्यूट्रल FeCl3 सोल्यूशन और ब्रोमीन वाटर।
अ बैलून वेइंग 50 kg इज फिल्ड विथ 635.2 kg ऑफ हीलियम एट 1 atm प्रेशर एंड 25 डिग्री सेल्सियस। व्हाट विल बी इट्स पे लोड इफ इट डिस्प्लेस्ड 5108 kg ऑफ एयर? आंसर विल बी ए 4372.8 kg। द नंबर ऑफ आइसोमर्स फॉर द कंपाउंड विथ मॉलिकुलर फॉर्मूला C2BrCl(FeO)। आंसर विल बी D6। विच ऑफ द फॉलोइंग अल्केन्स इज नॉट ऑब्टेन्ड बाई वुड्स रिएक्शन? आंसर ए मिथेन। फॉर द कॉम्प्लेक्स Ml2 स्टेप वाइज फॉर्मेशन कॉन्स्टेंट्स फॉर M+L गिव्स Ml और Ml+L गिव्स Ml2। R4 एंड 3 हेंस ओवरऑल स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट फॉर M+2L गिव्स Ml2 इज? आंसर विल बी ए 12। चूज द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द प्रोडक्ट। ओके, तो आंसर यहाँ पे होगा बी। ओके, द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्टिंग द मेटल बाय हीटिंग द मेटल ऑक्साइड विथ अ सुटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज कॉल्ड? आंसर विल बी ए पायरोमेटालर्जी। द स्टडी ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स इज नोन एज? आंसर विल बी बी फार्मेकोलॉजी। मॉलिकुलर साइजेज ऑफ ICl एंड Br2 आर नियरली सेम बट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ICl इज अबाउट 40 डिग्री सेल्सियस हायर देन Br2 बिकॉज? आंसर विल बी सी ICl इज अ पोलर वेयर एज Br2 एटम इज अ नॉन पोलर मॉलिक्यूल। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायंस वुड नॉट लाइकली रीअरेंज टू अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन? आंसर विल बी बी। विच रिएक्शन डज हाइड्रोक्विनोन अंडर गो मोस्ट रेडियली? आंसर सी ऑक्सीडेशन। इथाइल अल्कोहल ऑन ऑक्सीडेशन विथ K2Cr2O7 गिव्स? आंसर ए एसिटिक एसिड। व्हाट विल बी द मास ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट? मोलर मास इक्वल टू 40 ग्राम पर मोल। विच शुड बी डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%? आंसर विल बी ए 10 ग्राम। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ क्लोरीन इन एक्वस सॉल्यूशन कैन बी डिटरमाइंड बाई द पैरामीटर इन इंडिकेटेड बिलो। आंसर यहाँ पे रिएक्शन दिया हुआ है और कह रहा है द एनर्जी इन्वॉल्व इन द कंजर्वेशन ऑफ हाफ Cl2 गैस टू Cl- एक्वस यूजिंग डेटा। आंसर यहाँ पे होगा बी -610 kJ/mol। द रेट लॉ ऑफ द केमिकल रिएक्शन 2NO2Cl गिव्स 2NO2+Cl2 इक्वल टू KNO2Cl इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज? आंसर विल बी डी NO2Cl गिव्स NO2+Cl। द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एटोमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नाइट्रोजन इज इन NO2+ NO3- एंड NH4+R? आंसर विल बी डी SP, SP2 एंड SP3 रिस्पेक्टिवली। हार्ड वाटर कैन ब्लॉक रेडिएटर्स ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ? आंसर विल बी ए इनसोल्युबल कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स। व्हेन 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एक्सपेंड्स आइसोथर्मली अगेंस्ट द कॉन्स्टेंट प्रेशर ऑफ 1 atm एट 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 15 लीटर टू 50 लीटर द वर्क डन इन लीटर एटीएम विल बी? आंसर विल बी बी -35। व्हेन मर्क्यूरिक आयोडाइड इज एडेड टू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड देन? आंसर विल बी ए फ्रीजिंग पॉइंट इज रेज्ड। एट क्रिटिकल माइसेलिक कंसेंट्रेशन CMC द सर्फैक्टेंट मॉलिक्यूल्स? आंसर बी एसोसिएट। रिएक्शन 2Fe3+3I- गिव्स 2Fe2++I3-। द स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स इन एसिडिक कंडीशंस आर 0.77 वोल्ट एंड 0.54 वोल्ट रिस्पेक्टिवली फॉर कैथोडिक एंड एनोडिक रिएक्शंस। द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट फॉर द रिएक्शन इज अप्रोक्सीमेटली गिवेन 10^7.7 एंड इक्वल टू 6.26 6.26 × 10^7। आंसर यहाँ पे होगा सी 6.26 × 10^7। द फर्स्ट एंड सेकेंड डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एन एसिड H2A आर
1.0 into 10 to power minus 5 and 5.0 into 10 to power minus 10 respectively, the overall dissociation constant of the acid and of the acid will be, answer will be C, 5.0 into 10 to power minus 15. Which of the following has the highest molar conductivity in solution? Answer A, PtNH3 whole 6 Cl4. X reacts with dilute nitric acid to form laughing gas. What is X? Answer will be D, zinc. In case of condensation of polymers, answer C, molecular weight of polymers rises throughout the reaction. How many octahedral and tetrahedral holes are present per unit cell in a face-centered cubic arrangement of atoms? Answer C, 4 and 8. Which of the following carbohydrate is a reducing sugar? Answer will be D, all of these, यानी माल्टोज, ग्लूकोज और गैलेक्टोज सारे जो हैं वो रिड्यूसिंग शुगर हैं. रिपीटेड क्वेश्चन है हमारा. द प्रोडक्ट्स ऑब्टेंड फ्रॉम द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस आर रिस्पेक्टिवली NaOH प्लस Cl2 और HCF6 प्लस H2. आंसर यहाँ पे सी होगा, NaClO3 एंड HCOF4. फॉर अ रिएक्शन हाफ ए गिव्स टू बी, द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए इज रिलेटेड टू द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बाय द एक्सप्रेशन. आंसर विल बी बी, माइनस डी ए बाई डी टी इक्वल टू 1/4 dB बाई डी टी. इन 1 लीटर कंटेनर इथाइल एसिटेट इज फॉर्म्ड बाई द रिएक्शन बिटवीन इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड एंड द इक्विलिब्रियम इज रिप्रेजेंटेड एज CH3 C double OH liquid plus C2H5 OH liquid gives CH3 C double O C2H5 liquid plus H2O liquid at 293 Kelvin. If one starts with 1 mole of acetic acid and 0.18 mole of ethanol, there is 0.171 mole of ethyl acetate in the final equilibrium mixture. Calculate the equilibrium constant. Answer will be A, Kc equal to 3.92. क्वेश्चन नंबर 42. 0.078 ग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन ऑक्यूपाई 22.4 ml ऑफ वॉल्यूम एट 180 m एंड 0 डिग्री सेल्सियस. द एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ द हाइड्रोकार्बन इज CH. द मोलिकुलर फॉर्मूला इज, आंसर विल बी सी, C6H6. द रिएक्शन बिटवीन एन अल्कोहल एंड एन एसिड विथ द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड. आंसर ए, स्टेरिफिकेशन. मैक्सिमम एंट्रोपी विल बी इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? आंसर डी, वाटर वेपर. द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विद द हाईएस्ट आयनाइजेशन इंथैल्पी इज, आंसर सी, एनी 3H2 3P3. तो ये सारे थे हमारे केमिस्ट्री क्वेश्चंस. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, और जो नए व्यूअर्स है प्लीज सब्सक्राइब कर देना. आते हैं फिजिक्स में. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे है, इफ टाउ 1 टाउ 2 टाउ 3 एंड टाउ 4 आर द मैग्नेटिक टॉर्क्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट व्हेन इट इज केप्ट एट एंगल ऑफ 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री एंड 135 डिग्री रेस्पेक्टिवली विद द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड देन विच एमोंग द फॉलोइंग इज करेक्ट. आंसर यहाँ पे होगा डी, T3 ग्रेटर देन T2 और टाउ 2 ग्रेटर देन टाउ 4 एंड टाउ 4 इज ग्रेटर देन टाउ 1. अ कंडक्टर ऑफ रेजिस्टेंस 3 ओम इज स्ट्रेच्ड यूनिफॉर्मली टिल इट्स लेंथ इज डबल्ड. द वायर इज नाउ बेंट इन द फॉर्म ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल. द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ एनी साइड ऑफ द ट्रायंगल इन ओम्स इज, आंसर विल बी बी, 8/3. करेक्ट डायग्राम फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ प्राइमरी सेल बाय पोटेंशियोमीटर इज, आंसर विल बी सी. इन अ सीरीज एलसीआर सर्किट द वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस इज 10 वोल्ट इच. इफ द कैपेसिटर इज रिमूव्ड द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टेंस विल बी, आंसर विल बी सी, 10/√2 वोल्ट.
फाइंड द स्टेडी स्टेट करेंट थ्रू L1 इन द फिगर। आंसर यहाँ पे सी होगा, वी नॉट L2 बाई आर L1 प्लस L2। चार्जेज आर प्लेस्ड एट द वर्टिसेज ऑफ स्क्वायर एज शोन इन द डायग्राम। इफ चार्ज एट ए एंड बी आर इंटरचेंज्ड विथ सी एंड डी रेस्पेक्टिवली देन। आंसर विल बी सी, ओनली डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट सेंटर विल चेंज। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg एंड चार्ज 1 माइक्रो कूलम्ब। अ पार्टिकल ऑफ मास 2 ग्राम एंड चार्ज 1 माइक्रो कूलम्ब इज हेल्ड एट रेस्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजेंटल सरफेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम अ फिक्स्ड चार्ज 1 माइक्रो कूलम्ब। इफ द पार्टिकल इज रिलीज्ड, इट विल बी रिपेल्ड द स्पीड ऑफ द पार्टिकल वेन इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द फिक्स्ड चार्ज इज। आंसर विल बी 90 मीटर पर सेकेंड। अ क्लोज लूप पी क्यू आर एस कैरिंग अ करेंट इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इफ द मैग्नेटिक फोर्सेस ऑफ सेगमेंट्स पी एस एस आर एंड आर क्यू आर F1, F2 एंड F3 रेस्पेक्टिवली एंड आर इन द प्लेन ऑफ द पेपर एंड अलॉन्ग द डायरेक्शन शोन, द फोर्स ऑन द सेगमेंट क्यू पी इज। आंसर विल बी डी, F3 - F1 होल स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर होल अंडर रूट। अ साइक्लोट्रॉन इज एक्सेलरेटिंग प्रोटॉन वेयर द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इज 2T एंड द पोटेंशियल गैप इज 100 kilo electron volt। टू अक्वायर काइनेटिक एनर्जी ऑफ 20 mega electron volt द नंबर ऑफ टर्न्स द प्रोटॉन हैज टू मूव बिटवीन द डीज इज। आंसर विल बी डी 100। क्वेश्चन नंबर 10। कंपोजिट स्लैब कंसिस्ट ऑफ टू स्लैब्स ए एंड बी ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स बट ऑफ द सेम थिकनेस प्लेस्ड ऑन अ टॉप ऑफ द अदर। द थर्मल कंडक्टिविटीज ऑफ ए एंड बी आर K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। स्टेडी टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 12 डिग्री सेल्सियस इज मेंटेन्ड अक्रॉस द कंपोजिट स्लैब इफ K1 इक्वल टू K2/2। द टेम्परेचर डिफरेंस अक्रॉस द स्लैब ए विल बी, आंसर विल बी 8 डिग्री सेल्सियस। एन आइडियल गैस इन द स्टेट P1 V1 इज आइसोथर्मली एक्सपेंडेड टू स्टेट P2 V2, देन इट इज एडियाबेटिकली कंप्रेस्ड टू इनिशियल वॉल्यूम V1, द प्रेशर बींग P3 इन द फाइनल स्टेट। इफ W इज द वर्क डन बाय द गैस इन द होल प्रोसेस देन आंसर विल बी ए, P3 ग्रेटर देन P1 एंड W इज लेस देन 0। अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए शोन इन द VT डायग्राम इज परफॉर्म्ड विद द कॉन्स्टेंट मास ऑफ एन आइडियल गैस। द सेम प्रोसेस इन द PV डायग्राम इज, आंसर विल बी ए। इनिशियल प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस गामा इक्वल टू 1.5 आर पी एंड वी रेस्पेक्टिवली। फर्स्ट इट इज एक्सपेंडेड आइसोथर्मली टू वॉल्यूम 4V एंड देन कंप्रेस एडियाबेटिकली टू वॉल्यूम V। द फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस विल बी, आंसर विल बी 2P। वन एंड ऑफ अ लॉन्ग मेटालिक वायर ऑफ लेंथ L इज टाइड टू द सीलिंग। द अदर एंड इज टाइड टू अ मासलेस स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट K। अ मास M हैंग्स फ्रीली फ्रॉम द फ्री एंड ऑफ द स्प्रिंग। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर आर A एंड Y रेस्पेक्टिवली। इफ द मास इज स्लाइटली पुल्ड डाउन एंड रिलीज्ड, इट विल ऑसिलेट विद टाइम पीरियड T इक्वल टू, आंसर विल बी 2π√M(YA+KL)/YAK। द टेम्परेचर्स ऑफ इक्वल मासेज ऑफ थ्री डिफरेंट लिक्विड्स ए बी एंड सी आर 12, 19 एंड 28 डिग्री सेल्सियस रेस्पेक्टिवली। द टेम्परेचर वेन ए एंड बी आर मिक्सड इज 16 डिग्री सेल्सियस एंड वेन बी एंड सी आर मिक्सड इट इज 23 डिग्री सेल्सियस। द टेम्परेचर वेन ए एंड सी आर मिक्सड विल बी, आंसर विल बी सी 20.25 डिग्री सेल्सियस।
स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव इन स्ट्रिंग ऑफ डेंसिटी 100 kg/m² एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 10 mm² अंडर अ टेंशन ऑफ 10^3 N इज आंसर विल बी 1000 m/s। चेक अप द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट इन द फॉलोइंग आंसर बी अ बॉडी हैज अ कॉन्स्टेंट स्पीड बट इट कैन हैव अ वेरिएबल वेलोसिटी। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18। अ कार ऑफ मास 1000 kg मूव्स ऑन अ सर्कुलर पाथ विथ अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 16 m/s इफ इट इज टर्न बाई 90 degree आफ्टर ट्रेवलिंग 628 m ऑन द रोड द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द कार इज आंसर विल बी सी 640 N। अ पार्टिकल इज मूविंग ऑन रफ हॉरिजेंटल ग्राउंड विथ एन इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट इफ 3/4 ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शन इन टाइम टी नॉट देन द सफिशियंट ऑफ देन द कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द पार्टिकल एंड द ग्राउंड इज आंसर विल बी ए वी नॉट बाई टू जी टी नॉट। अ ब्लॉक ऑफ मास 70 kg इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजेंटल सर्फेस एंड कोफिशियंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड सर्फेस इज 0.4। अ मैन इज ट्राइंग टू पुल द ब्लॉक बाई अप्लाइंग अ हॉरिजेंटल फोर्स इफ द सर्फेस एक्सर्ट्स अ फोर्स एफ ऑन द ब्लॉक देन आंसर विल बी सी 700 N लेस देन इक्वल टू एफ एंड एफ इज लेस देन इक्वल टू 754 N। अ ब्लॉक ऑफ मास एम इज स्टेशनरी विथ रिस्पेक्ट टू अ वेज ऑफ मास कैपिटल एम मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी ऑन अ हॉरिजेंटल सरफेस फाइंड द वर्क डन बाई फ्रिक्शन फोर्स ऑन द ब्लॉक इन टी सेकेंड आंसर विल बी माइनस एम जी वी टी बाई 2 sin 2 थीटा। अ स्क्वायर प्लेट ऑफ एज डी एंड अ सर्कुलर डिस्क ऑफ डायमीटर डी आर प्लेस टचिंग ईच अदर एट द मिड पॉइंट ऑफ एन एज ऑफ द प्लेट एज शोन देन द सेंटर ऑफ मास ऑफ द कम्बिनेशन विल बी एज्यूम सेम मास पर यूनिट एरिया फॉर टू प्लेट्स आंसर विल बी सी 4D/4 + π राइट टू द सेंटर ऑफ द डिस्क। एट टी इक्वल टू 0 द पोजिशंस एंड वेलोसिटीज ऑफ टू पार्टिकल्स आर एज शोन इन द फिगर दे आर केप्ट ऑन अ स्मूथ सर्फेस एंड बींग म्यूचुअली अट्रैक्टेड बाई ग्रेविटेशनल फोर्स देन द पोजिशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास टी इक्वल टू 2 सेकेंड इज आंसर विल बी एक्स इक्वल टू 7 m। अ न्यूक्लियस मूविंग विथ वेलोसिटी वी इमिट्स एन अल्फा पार्टिकल इफ द वेलोसिटीज ऑफ अल्फा पार्टिकल एंड द रिमेनिंग न्यूक्लियस बी वी वन एंड वी टू एंड दियर मासेज बी एम वन एंड एम टू रेस्पेक्टिवली देन आंसर विल बी सी वी मस्ट बी पैरेलल टू M1V1 + M2V2। अ पार्टिकल मूव्स इन अ सर्किल ऑफ रेडियस 0.25 m एट एंगुलर स्पीड ऑफ 2 revolutions per second द एक्सलरेशन ऑफ द पार्टिकल इन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज आंसर विल बी सी 4π². इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट एच एबव द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज द सेम एज एट अ डेप्थ ऑफ एक्स बिलो इट व्हेन बोथ एक्स एंड एच आर मच स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द अर्थ देन आंसर विल बी एक्स इक्वल टू 2h। एन आर्टिफिशियल सैटेलाइट मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट अराउंड द अर्थ हैज अ टोटल काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी ई नॉट इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज आंसर विल बी सी 2 E0। अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज एक्टेड अपॉन बाय अ फोर्स एफ इक्वल टू 2 t² - kx Initially, the particle is at rest at the origin. Then, answer will be C. Its acceleration will be simple harmonic motion. In an experiment to find the loss of energy with respect to the time in case of swinging simple pendulum, the graph between amplitude square and time is answer will be A. Rectangular hyperbola. रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं।
अ बॉल फॉलिंग इन अ लेक ऑफ 200 मीटर शोज अ डिक्रीज ऑफ 0.1% इन इट्स वॉल्यूम. द बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बॉल इज टेक जी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. आंसर विल बी बी 2 × 10⁻¹ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. अ वेरी नैरो कैपिलरी ट्यूब रिकॉर्ड्स अ राइज ऑफ 20 सेंटीमीटर व्हेन डिप्ड इन वाटर व्हेन द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज रिड्यूस टू 1/4 ऑफ फॉर्मर वैल्यू वाटर विल राइज टू अ हाइट ऑफ. आंसर विल बी सी 40 सेंटीमीटर. द मोमेंट ऑफ इनर्सिया ऑफ अ डिस्क विदाउट अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर एंड नॉर्मल टू इट्स प्लेन आई प्लेन इज आई. द डिस्क इज नाउ फोल्डेड एलोंग अ डायमीटर सच दैट द टू हाफ्स आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर. इट्स मोमेंट ऑफ इनर्सिया अबाउट दिस डायमीटर विल नाउ बी. आंसर विल बी सी आई बाई टू. थ्री आइडेंटिकल ब्लॉक्स ए बी एंड सी आर प्लेस्ड ऑन हॉरिजेंटल फ्रिक्शनलेस सरफेस. टू ब्लॉक्स बी एंड सी आर एट रेस्ट बट ए इज अप्रोचिंग टुवार्ड्स बी विथ अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड. द कोफिशियंट ऑफ रेस्टिट्यूशन फॉर ऑल कॉलिजन्स इज 0.5. द स्पीड ऑफ द ब्लॉक सी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन इज आंसर विल बी ए 5.6 मीटर पर सेकेंड. अ बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज इंसिडेंट ऑन अ गोल्ड फॉयल कॉरस्पॉन्डिंग टू द इंसिडेंट बीम्स ए बी एंड सी. द इमर्जेंट बीम ए बी एंड सी द ट्रांसमिशन एंड डिफ्लेक्शन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स थ्रू द फॉयल टेक्स प्लेस सच दैट. आंसर विल बी ए. द नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल इन ए इज मैक्सिमम एंड बी मिनिमम. अकॉर्डिंग टू बोर्स मॉडल मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर एट द न्यूक्लियस ऑफ हाइड्रोजन एटम ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट इज प्रोपोर्शनल टू. आंसर विल बी बी 1/(n⁵). द एक्टिविटी ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट डिक्रीज्ड टू 1/3 ऑफ द ओरिजिनल एक्टिविटी आई नोट इन अ पीरियड ऑफ 9 ईयर्स. आफ्टर फर्दर लैप्स ऑफ 9 ईयर्स इट्स एक्टिविटी विल बी. आंसर विल बी सी आई नोट बाई 9. रिपीटेड क्वेश्चन. द स्टॉपिंग पोटेंशियल एट एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज प्लॉटेड फॉर टू डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सर्फेसेज ए एंड बी. द ग्राफ शो दैट द वर्क फंक्शन ऑफ ए इज आंसर विल बी बी स्मॉलर दैन दैट ऑफ बी. क्वेश्चन नंबर 38. अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन द ग्राफ बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज. आंसर विल बी सी. ओके, ये भी हमारा रिपीटेड क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 39. द फॉलोइंग फिगर शोज अ लॉजिक गेट सर्किट विथ टू इनपुट्स ए एंड बी एंड आउटपुट सी. द वोल्टेज वेव फॉर्म्स ऑफ ए बी एंड सी आर एज शोन इन सेकेंड फिगर बिलो. द लॉजिक सर्किट गेट इज आंसर विल बी बी एंड गेट. क्वेश्चन नंबर 40. इन अ कॉमन बेस ट्रांजिस्टर सर्किट द करेंट गेन इज 0.98 ऑन चेंजिंग इमीटर करेंट बाई 5 mA. द चेंज इन कलेक्टर करेंट इज आंसर विल बी सी 4.9 mA. क्वेश्चन नंबर 41. अ कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज अ करेंट गेन ऑफ 50 इफ द लोड रेजिस्टेंस इज 4 kΩ एंड इनपुट रेजिस्टेंस इज 500 ओम. द वोल्टेज गेन ऑफ द एम्पलीफायर इज आंसर विल बी सी 400. क्वेश्चन नंबर 42. कैलकुलेट द डिस्पर्सिव पावर ऑफ फॉर क्रॉन ग्लास फ्रॉम द गिवेन डेटा. म्यू वी इक्वल टू 1.5230 म्यू आर इक्वल टू 1.5145. आंसर विल बी सी 0.0163 डिग्री. द फेस ए सी ऑफ अ प्रिज्म ए बी सी ऑफ रिफ्रैक्टिंग एंगल 30 डिग्री इज सिल्वर्ड. अ रे इज इंसिडेंट ऑन फेस ए बी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री एज शोन इन द फिगर. द रिफ्रैक्टेड रे अंडरगोज रिफ्लेक्शन एट फेस ए सी एंड रिट्रेसेज इट्स पाथ. द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द प्रिज्म इज आंसर विल बी ए
अंडर रूट टू। क्वेश्चन नंबर 44। अ बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर फ्रॉम अ डिस्टेंट सोर्स फॉल्स ऑन अ सिंगल स्लिट 1 मिलीमीटर वाइड एंड द रिजल्टिंग रिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन 2 मीटर अवे। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंज ऑन आदर साइड ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इज आंसर विल बी डी 2.4 मिलीमीटर। लास्ट क्वेश्चन है हमारा वीडियो का भी और फिजिक्स का। टू पोलराइड्स आर प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ एन अनपोलराइज्ड बीम ऑफ इंटेंसिटी आई नोट सच दैट नो लाइट इज इमिटेड फ्रॉम द सेकेंड पोलराइड। इफ अ थर्ड पोलराइड होज पोलराइजेशन एक्सिस मेक्स एन एंगल थीटा विद द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट पोलराइड इज प्लेस्ड बिटवीन दीज पोलराइड्स देन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इमर्जिंग फ्रॉम द लास्ट पोलराइड विल बी आंसर विल बी ए आई नोट बाई 8 sin² 2 थीटा। ओके तो ये सारे थे हमारे फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के क्वेश्चंस। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर देना, जो नए भी हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही वीडियो आते रहेंगे एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट के। और जिन्हें भी एनटी अभ्यास मॉक टेस्ट का सारे पीडीएफ चाहिए वो हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।